I wish the Chief Justice and the judges of the Supreme Court the very best for the future. Before I conclude, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जो आप सब जानते हैं, मैं एक छोटी सी गांव से आई हूँ जहाँ कोई भी ऐसी मैं जो पैदा हुई थी, जन्म ली थी 1958 में, वहाँ कोई भी ऐसे सुविधा नहीं थी। गांव के लोग हम ये तीन लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। टीचर को ओडिया में एक प्रोवर्ब कहते हैं, गुरु को न मानी व नर गुरु ही न साक्षात तो ईश्वर। गुरु एक मनुष्य नहीं, ये साक्षात ईश्वर है। और डॉक्टर को भगवान मानते थे क्योंकि वो जीवन दाता है। डॉक्टर और लॉयर्स के पास कितने टाइम लोग जाते हैं जो अब परेशान में होते हैं, दुख में, परेशान में। जिंदगी या उनके पास जो भी हो, धन दौलत जमीन जो भी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम लोग परेशान से थोड़ा पार करो। जो मैं MLA बनी तो भाग्य से मुझे होम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मुझे पूरा राज्य में जितने भी प्रिजन, जितने भी जेल था, मुझे घूमने को मौका मिला। ऐसे नहीं कि मुझे भेजा गया, मैं जानना चाहती थी वहाँ लोग कौन सी लोग, कौन लोग वहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कैसे परेशानी में, क्यों, क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहाँ वो बिता रहे थे। आप सब जानते हैं स्टैंडिंग कमेटी का काम है रिपोर्ट देना। मैंने आके सभी होम डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स को मैं बुलाती थी, मीटिंग करती थी, DGP को कहती थी, CM को जाके अपना जो भी अनुभव मैं बताती थी। थोड़ा बहुत कुछ हुआ लेकिन जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। लेकिन भाग्य से मुझे गवर्नर बनाया गया। इसी तरह की ऐसे पीछे वाला स्टेट में, जैसे कि ओडिशा जैसे पीछे है, ऐसे ही मुझे झारखंड में बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। मुझे एक मौका मिला कि सुप्रीम हाईकोर्ट जजों के साथ एक जज यहीं पे, हाईकोर्ट जज यहीं पे बैठे हैं, बॉस जी मैंने देख रही हूँ, 4-5 ऐसे चीफ जस्टिस के साथ मुझे काम करने का, वार्ता करने का मुझे मौका मिला। बीरेंद्र सिंह मुझे तो शपथ दिलाए थे, उनसे भी मैं बात की, लेकिन वो ज़्यादा दिन उनका हो गया टेन्योर तो मेरे साथ नहीं काम किया। लेकिन 2-3 इनके साथ भी बात की, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं, वो तो यहाँ आ गए। लेकिन ऐसे दो सुप्रीम कोर्ट जज, एक है PK महंती और एक है DN पटेल। DN पटेल तो सुप्रीम कोर्ट की जज तो, हाई कोर्ट की ये तो जज तो नहीं बन पाई ये, तो फिर इंचार्ज थे। लेकिन वो बहुत ही, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, मुझे पता नहीं आपका क्या ख्याल है, मुझे तो उनके ऊपर बहुत अच्छा ख्याल है। मैं अपने बातें मैंने कहने लगी तो क्योंकि मैं थोड़ा उनको, उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रीएम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, आप जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना, थोड़ा बहुत कुछ
ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता। तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा, केवल सी सिविल जो लोग ए नहीं है, आप जानते हैं गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज का, यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर, कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, क्लास क्लास में टीचर नहीं होते क्योंकि रोज चक्कर लग, सालों साल ये क्या हो रहा। तो मैंने बोली कुछ तो करना चाहिए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, वहाँ तो अपना एक संस्था बनाया है झालसा, है ना, उसके जरिए वो एक दिन में ऐसे काम किए दिन रात, एक दिन में वो शायद 5,000 होगा एक बार। पी के मिश्रा उन दिनों यहीं पे चीफ जस्टिस थे, उनको बुलाया गया, एक दिन में 5,000 केसेस वो ख़त्म कर दिए। सेकेंड टाइम फिर ऐसे ही लिए आपका हायर एजुकेशन का, वहाँ का भी उनको लीम का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। वो डीएन पटेल पूरा भागे भागे आई, हम लोगों को ये क्या मुझे ऐसे करते रहो, क्योंकि उन लोगों को इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ए बी सी डी कुछ करो, ए बी सी ऐसे कैटेगराइज करो, उनका खत्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है, आके उनको हम स्किल्ड करा सकते हैं, बाहर भी वो आना नहीं चाहते क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसलिए मैं इस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी ख़त्म कर देते हैं लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो तीन जो स्तंभ है, तीन जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे जैसे लोग पहले तो गांव में हर चीज़ ख़त्म होता था, बहुत सारे चीज़ें जी, बहुत सारे सोसाइटीज़ है, बहुत सारे चीज़ें गांव में ही ख़त्म हो रहा, आज छोटी छोटी बात में लोग जाते हैं, उसको कुछ किया जा सकता है, बैठ के बात करना है। और उसको मुझे लगता है लोगों को, हम लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, इसीलिए लोगों के लिए सोचना हम लोगों का काम है। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं, बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी गुणी जजेस बैठे हैं, आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता निकालना है। कि कहते हैं आजकल तो और ज़्यादा जेल बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए, और सारा बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और ज़्यादा जेलें बनाने का ये क्या ज़रूरत है, कम करना चाहिए। मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, यहाँ लॉ मिनिस्टर है और आप सब जो जैसे, मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज़ को आप समझिए।